कहीं कहीं जो है बिगड़ रही है, कोई चीज हो रही है, तो वो मशीन पैसे मिल गई और उसमें उसमें से जो है खराब भी हुई और आप ही लोगों के फोन करने पे बताने पे कि यहाँ खराब हुई, वो खराब हुई। अंतर केवल इतना हुआ कल क्योंकि स्टाफ की हमारे पास थोड़ी कमी थी, हम कल शाम को उन मशीनों को जो बाकी रह गई मशीन उनको शाम को नहीं ला पाए, उसको अब लाए और हम अपना स्टेशनरी रखने के लिए जो आप उस समय सर नहीं ला पाए आज लाए, आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ से हटवा के आप NIC कर दी, हमें विश्वास नहीं है, आप हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। अरे बिल्कुल सर सुन लीजिए, हाँ जी बताइए, मेरी बतिया सुन लीजिए ना, अब हमने ताला लगाया है, ठीक है, हमें स्टेशनरी के लिए कभी जरूरत पड़ सकती है, ठीक ठीक ठीक, अब अभी हम उसको सील करा देते, आप अपने जितना स्टेशनरी रखिए अपने पास, आप ईवीएम मशीन यहाँ से हटवा के NIC भेज दीजिए, देखिए सर उसको हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बात सुन तो लीजिए, हम सुन रहे सर, आप मशीन हटवाने में क्या सारी बात की बात, हम तो ये मशीन हम नहीं रखेंगे। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम देखिए सब सारे विधानसभा पूरे देश में सर ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, हर जगह हेरा फेरी हो रही है, हम जानबूझ के जहर नहीं खाएंगे, इसको हटवा दीजिए, इस ईवीएम को यहाँ से हटा के चिपकाइए, यहाँ 8 नंबर तक आ गई है, यहाँ से दूसरे के अंतर है, फिर नहीं करना, यहाँ नहीं रहेगी, नहीं अरे भाई हम इस परिसर में घुसने नहीं देंगे, जगह न हो तो हमारे घरों में रखिए, चलिए बिल्कुल, जब बेकार की सील जगह न हो तो हम जगह दे रहे हैं, आपके पास जगह नहीं हो तो हमारे यहाँ रखिए, मशीनें सील है, मशीनें सील है, उसमें पूरी कमल की मोहर लगी हुई है, बिल्कुल हम दिखा दें आपको, बिल्कुल दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, हम देखना चाहते हैं, नहीं सर आप हटाएंगे, नहीं अगर अगर देखिए सब जब तक आप नहीं हटाएंगे हमें मर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों रखी है सर, मेरे बात का विश्वास करिए, हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, आप सब दबाव क्यों बना रहे कि नहीं हमें योगी प्रशासन पर विश्वास नहीं है, आप डीएम साहब को बुलाइए, हमें विश्वास नहीं है, ये ईवीएम जहाँ से आई थी हम लोकतंत्र नहीं टूटने देंगे, पूरा डीएम के कार्यालय भरा हुआ तो नहीं धरते हैं, होना जो भरी मशीन है वही रहनी चाहिए, बस हटने तक ईवीएम हटने तक हम यही धरने पर बैठेंगे, जब तक हट नहीं जाएगी, दिन भर रहेंगे, रात भर रहेंगे, 23 तारीख तक यही रहेंगे इस प्रांगण में, जब तक हट नहीं जाएगी, चलिए बैठिए, यहाँ आने का मतलब है वहाँ जो है पांडे जी।